हाँ जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं आपका सत्संग 4 वर्षों से YouTube के माध्यम से सुन रही हूँ। आपके सत्संग से निरंतर नाम जप और भगवत प्राप्ति की प्रेरणा मिली, जिसकी जीवन में कभी जानकारी भी नहीं थी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, निष्ठापूर्वक किया गया नाम जप कितने वर्षों में कोई अनुभूति या अनुभव करवा सकता है? पहले तो निष्ठा को समझो किसे कहते हैं। निष्ठापूर्वक जप हुआ वर्षों में थोड़ी होता है, तो मिनटों में होता है। नाम की निष्ठा ही तो नहीं आई। नाम की निष्ठा किसका प्रश्न है? नाम की निष्ठा वाले के ये लक्षण है, कंडा थाप रहे हैं, उनके कंडा दूसरा कोई चुरा लिया तो झगड़ा हो रहा था। कबीरदास जी वहाँ से गए थे नामदेव जी के दर्शन करने, देखा कि कुछ सखियाँ लड़ रही, तो उसमें जनाबाई जी थी। जनाबाई जी कह रहे थे मेरे कंडे हैं। वह क्या पहचान तेरे कंडे की? बोले कान में लगा के देख लो, बिट्ठल बिट्ठल निकलता हो। इसे कहते हैं निष्ठा। रोम रोम कृष्णाकार नामाकार, कितने वर्ष में उसका फल मिलेगा? उसका फल तो उसके पीछे डोल रहा है, वो तो हर समय परमानंद में मगन है। नाम में रुचि होना, फिर नाम की रुचि से समस्त पापों का नाश होकर पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाना, जिससे पाप होते हैं, अंतःकरण निर्मल हुआ। अब निष्ठा आई नाम की। कैसे निष्ठा? कैसे? मृत्यु का भयानक दंड दिया जाए उसे तो भी नाम नहीं छूटेगा, या विश्व का सबसे बड़ा सुख उसके सामने फेंक दिया जाए, नाम नहीं छूटेगा। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भी प्रभु का विस्मरण नहीं करता, वो निष्ठावान महाभाग। अब हो गए नामनिष्ठ। नामनिष्ठ को कोई फल कोई फूल? सारे फल फूल तो प्रभु हैं, वो सामने उसके होते हैं। एक क्षण के लिए भी परमानंद की धारा कभी टूटती नहीं। निष्ठा शब्द की बात कह रहा हूं, गुरु निष्ठ, नाम निष्ठ, धाम निष्ठ। जैसे धाम निष्ठ को कहा गया अंग अंग काट दिया जाए तो भी वो धाम को नहीं छोड़ने वाला। अगर एक एक टुकड़े किए जाए कि धाम से भाग जाओ, टुकड़े कर दे तो टुकड़े करवा लेगा, लेकिन धाम नहीं छोड़ेगा। तो ये है, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन ने छाड़ियो। देखो देश निष्ठ बंदे मातरम, फांसी का फंदा लगा झूम गए, जय हिंद, गोली खा ली, स्वयं अपने गोली मार ली। ये निष्ठा, इसे कहते हैं निष्ठा। हम देश के लिए प्राण बलिदान करते हैं, चूमा फांसी का फंदा, बंदे मातरम। एक भी सिकंद नहीं, आश्चर्य मानते थे पदाधिकारी विदेशी के, भारतीय हैं क्या? जैसे कोई शादी के लिए नहीं उल्लसित होता, ऐसे फांसी को उल्लसित होकर जा रहे हैं। बंदे मातरम, पुत्रों को चुना जा रहा है सामने गुरु गोविंद सिंह के, और उन पुत्रों से कहा जाता है कि अब तुम स्वीकार करो। ऐसे चुनते चल गुरु गोविंद से कहा आप स्वीकार करो। इसे कहते हैं निष्ठा, धर्म निष्ठा, देश निष्ठा, गुरु निष्ठा, धाम निष्ठा, इष्ट निष्ठा, नाम निष्ठा। निष्ठा का मतलब है परिपक्व अवस्था। तो अब पहली बात तो निष्ठा शब्द हटाओ। हाँ, नाम यदि रुचि पूर्वक जपा जाए तो कितने दिनों में, ये बात तब पता चलेगी जब आपके पूर्व संचित पापों का पहले पता हो कि भाई कितना जमा है, कितनी प्रवृत्ति आपकी दूषित है। उतना दवा में समय लगेगा, नाम जपते रहो वो नष्ट करता रहेगा। और जहां अगर आगे होने ना पावे, गोदाम को नष्ट करना है तो जमा मत करो, जो जमा है उसमें आग लगाना है, पूरा जल जाने दो, फिर उसमें संचित में कुछ रह ना जाए। नया जो है वो जमा ना होने पावे, भगवत अर्पित कर दो, और जो प्रारब्ध धारा चुपचाप उसे भोग लो, और नाम की रुचि छूटने न पावे। तैल धारावत निरंतर नाम, अब नाम का जो चमत्कार प्रकट होगा वो वाणी का विषय नहीं। नाम का चमत्कार है नामी से साक्षात हो जाना। आँख खुली है बंद प्रभु, उन्हीं से बात, उन्हीं के लिए। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत। ये जो कभी वो नाचता है प्रभु को शाम, कभी गाता है, कभी रोता है, कभी शांत समाधि में जैसे पूर्ण कृतकृत्यता का अनुभव करते हुए, वो तो अनुभव गम्य है। वाणी से जो भी कहा जाता है वो सब बाहरी बात होती है। पहले नाम को निरंतर जपने का अभ्यास कीजिए। ये लोग कहते हैं 24 घंटे चलता है, पूरा जीवन महात्माओं को हो जाता है, फिर भी वो एक शब्द में नहीं कह सकते 24 घंटे चलता है।
अगर उनसे पूछो तो यही कहेंगे कि कहाँ, अब जो प्रभु ने बल दिया प्रयास कर रहे हैं, आगे प्रभु जाने आप सब आशीर्वाद दो, भजन में रुचि हो। हमने बड़े बड़े सिद्धों से जो एक क्षण के लिए भी नाम नहीं छोड़ते, उन सिद्धों के वचन सुने, कहाँ भजन होता है। आप सब आशीर्वाद दो कि हमारा भजन बन जाए, राधा रानी कृपा करें कि हमारा भजन बन। हम लोग एक सेकंड में बोल देते हैं, 24 घंटे भजन, समझते हो, एक दिन करके देखो 24 घंटे ईमानदारी से, एक दिन केवल हम कह रहे हैं, फिर निष्ठापूर्वक नाम का तो आपको किसी से प्रमाण थोड़ी पूछे। 24 घंटे हम तुम्हें कहते हैं, पर 24 घंटे मतलब 24 घंटे क्या होते हैं समझ रहे हो, 24 घंटे बराबर नाम करके एक दिन केवल हमें दिखा दो तुम 24 घंटे। ये मन है मन उठा पटक देगा, बड़ा भारी भूत है, 24 घंटे निरंतर नाम चल रहा खिलवाड़, समझते हो, जीवन हो जाता है महात्माओं का अभ्यास करते हुए, इसी बात का अभ्यास, रोते हैं रोते हैं भजन की वृत्ति के लिए, रोते हैं तड़पते हैं, वो आप कहते 24 घंटे भजन, वो तो ऐसे बोलते वो तो 24 घंटे चलता है, फिर क्या कहते, तो आप कृपा करो थोड़ा मन जलता रहता है, थोड़ा मन विषयों में जाता है, ये 24 घंटे में क्या हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये क्या हो रहा है। 24 घंटे नाम जिसका एक बार चल गया ना, ताकत नहीं कि वो छोड़ सके, एक एक मन एक हृदय में 24 घंटे चला के देखो। अब 100 लोग नाम कीर्तन कर रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, 5 वो करके गए, बोले 24 घंटे यहाँ चल रहा था, हमारी जो बात कहने, 24 घंटे आपका एक मंत्र 24 घंटे चला दो तुम्हें बहादुर मानेंगे, 24 घंटे चला के दिखाओ एक ध्वनि, होश उड़ जाएंगे, तमाशा है क्या, मन को पूरा जीवन लग जाता है घसीटते घसीटते। और निष्ठा जिसके नाम की आ गई, कुछ दुर्लभ नहीं, मेरी बात मान लेना, कुछ दुर्लभ नहीं। जब तक हमारा पाप नष्ट होता है तब तक हम नाम की महिमा को जान नहीं पाते, कि वर्षों हो गए जब तक कोई लाभ नहीं मिला और प्रतिकूलता नजर आ रही, चुप रहो, श्रद्धा विश्वास करो, आगे देख लोगे, निहाल हो जाओगे, मंगल हो जाएगा। निष्ठा आ गई तो फिर क्या कहना, फिर तो निष्ठा का मतलब तो परिपक्व अवस्था, परिपक्व अवस्था जिसकी नाम की होगी, वो प्रश्न होगा कि इसका क्या फल होता है, कितने दिनों में आनंद मिल जाएगा, ये प्रश्न नहीं होता है। रुचि बढ़ाओ, अभी रुचि की मांग करो कि निरंतर नाम चले। सोनिया शर्मा जी, जय गुरुदेव। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान हर पल आपके